यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबर यमुनानगर से आपको देंगे, जहां मिड डे मील वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर खुदकुशी करने की कोशिशें की। तो पुलिस और मिड डे मील वर्कर्स में तनाव देखा गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखी हैं। तेल छिड़क कर जान देने की कोशिशें की गई। हालांकि अल्टीमेटम पहले से दिया गया था कि मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो 23 मार्च को खुदकुशी कर ली जाएगी, आत्मदाह कर लेंगे ये लोग। इस कड़ी में हालांकि गनीमत ये रखी कि पुलिस बल मौके पर तैनात था इस प्रदर्शन को देखते हुए। तो पुलिस और मिड डे मील वर्कर सामने सामने नजर आए। पुलिस प्रशासन ने मौके पर तेल की जो कैन रखी वो छीनने का काम किया और इस बड़ी घटना को अपने आप में होने से रोका। तो मिड डे मील वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर बनी हुई है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, मांगे पूरी की जाएं, दबाव भी बनाए जाने की कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में अल्टीमेटम ये दिया गया था कि 23 मार्च तक अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो खुदकुशी कर ली जाएगी। तो पुलिस की मौजूदगी में खुदकुशी करने की कोशिशें की गई, तेल छिड़क कर जान दिए जाने की कोशिशें की गई मिड डे मील वर्कर की ओर से। पुलिस और मिड डे मील वर्कर्स आमने सामने नजर आए। तो किसी तरह की स्थिति ना बिगड़े इसके लिए हाथ से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। यमुनानगर से एक खबर आपको दे रहे हैं, ये तस्वीरें भी यमुनानगर से आपको दिखा रहे हैं। जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, बाकी संगठनों की ओर से भी मिड डे मील वर्कर्स का साथ समर्थन दिया गया है इस प्रदर्शन में। हमने सर आत्मदाह करने का वो कराया क्योंकि भूखे तो मर ही रहे, न्यू मर जाएंगे और क्या, तेल छिड़क कई मर जाएंगे एक लखती, क्योंकि ना यह सरकार 26 दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं, ना यह सरकार हमारी सुनाई कर रही, ना हमारे डीसी रेट दे रही, ना हमने पक्का कर रही, बताओ हम करें क्या। और ऊपर से 1000 रुपये काटे रामविलास शर्मा जी ने। चलिए इसी खबर पर अपडेट लेंगे। पवन शारदा हमारे संवाददाता यमुनानगर से फोन लाइन पर जुड़े हैं। पवन, मिड डे मील वर्कर की ओर से आत्मदाह किए जाने की कोशिशें की गई थी, फिलहाल क्या अपडेट है? मिड डे मील वर्कर जो है कई दिनों से धरने पर बैठी है, तो आज उन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उसको मौके को चलते हुए विफल किया और उसमें उनके आपस में थोड़ी झड़प भी हुई। जी, क्या कोई सरकारी नुमाइंदा या अधिकारी पहुंचा पवन इन लोगों को मनाने के लिए? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन अभी कुछ समय पहले तक भी वो धरने पर बैठे थे और उनका धरना जारी था। जी, क्या सरकार की ओर से किसी तरह का आश्वासन अभी तक मिला पवन इस मामले में? सिर्फ 1000 रुपए का वो बोल रहे हैं कि लॉलीपॉप दे रहे हैं हमें। हाँ। जबकि उनकी डिमांड है कि हमें पक्का किया जाए या हमारा मान वेतन जो वेतन। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारी देने के लिए। तो 1000 रुपए बढ़ाए जाने की सरकार की ओर से घोषणा की गई है। तो ये तस्वीरें आपको यमुनानगर से दिखाई।